हेलो फ्रेंड्स, रेस्ट ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग का आज का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज हम बनाने वाले हैं खुरचन राबड़ी। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिए हैं, इसको चलिए गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिए हैं, उसको गर्म होने के लिए रख दिए। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। और घी मैंने यहाँ पे किस लिए डाले हैं वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हम लोग का ढेर सारा काम रहता है तो किसी काम में बिजी हो जाते हैं, तो इसके लिए इसमें घी लगाने से अंदर से चिपकेगा नहीं दूध, तो इसीलिए मैंने घी लगाए हैं। तब इसको हम उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पे उबाल चुका है, तो इसी तरह हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। चलाते रहेंगे और यहाँ पे मैंने बड़ा कढ़ाई लिए हैं, इसके लिए मेरा उबालने का प्रोसेस बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि हाँ, उजला राबड़ी और उजला पेड़ा कैसे बनता है। तो उजला पेड़ा और राबड़ी उसको हम बताएंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे देखिए जो फैट ऊपर से हो रहा है उसको हम एक किनारे करते जाएंगे और दूध को चलाते जाएंगे। और यहाँ पे 1 चम्मच हमने दही ऐड किए हैं। दही किस लिए ऐड किए हैं, जो कि खुरचन राबड़ी में थक्का थक्का होता है इसके लिए, जो जिसको नहीं पता होगा उसके लिए है और जिसको पता होगा वो तो जान ही रहे होंगे। 1 चम्मच मैंने अभी ऐड किया है, 1 चम्मच आधा और हो जाएगा दूध तब ऐड करेंगे। और बीच भी ऊपर से जो लेयर बन रहा है उसको किनारे करते जाएंगे और चलाते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने आधा दूध हो चुका था तो इसमें 1 चम्मच और ऐड कर दिया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो थका थका हुआ नहीं है, तो अभी नहीं होगा फ्रेंड्स, लास्ट में आप लोग देखिएगा हो जाएगा। तो अब बताते हैं, जब भी आप उजला पनीर अथी राबड़ी बनाना स्टार्ट करें और उजला वाला पेड़ा, तो आप लोग जो गैस को फ्लेम पहले उबाल में हाई रखिए, उसके बाद आपको बड़ा मतलब उबलने लायक है कि बाहर दूध फेंक देगा, तो आप लोग उसको कम करके ज़्यादा मीडियम पे पकाइए तो वो उजला बनेगा। इसी तरह बनता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आधा दूध पूरा सूख चुका था, थोड़ा दूध है और थोड़ा राबड़ी है, तो इनको दूध और राबड़ी में ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चीनी ऐड की है, आप लोग अपने अनुसार चीनी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा मीठा राबड़ी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको चीनी मेल्ट हो हुआ है तो उसका थोड़ा सा उसको मेल्ट होने के बाद पानी जैसा होगी तो इसको 1-2 मिनट और सुखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सूख चुका है और देखिए थका थका हो गया। तो इसको अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ठंडा होने के बाद देखिए है ना थका थका जमा हुआ। इसको हम फ्रिज में भी नहीं रखे, फ्रिज में रखेंगे तो और थका हो जाएगा। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बॉल्स में निकाल लेते हैं। यदि मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हम किस पर अब वीडियो बनाएं आप लोग कमेंट कर सक करिएगा कि क्या चीज़ पे हम वीडियो बनाएं। और यहाँ पे बादाम और पिस्ता से इसको गार्निश कर देते हैं, 1-2 पंखुड़ी लगा देंगे गुलाब का ताकि देखने में बहुत खूबसूरत लगे अच्छा सा। अब जाके बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलिए मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग क्या करते हो, नए यूट्यूबर को सब्सक्राइब चाहे लाइक कमेंट नहीं करते होते? अरे भाई, छोटे यूट्यूबर से ही बड़े यूट्यूबर बनते हैं।
तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।